अस्सलाम वालेकुम। तस्वीरों में दिखाए हुए अदद का जो है हम आखिरी की मिसालें समझने जा रहे हैं कि खाली जगह में मुनासिब अदद को लफ्ज़ों में लिखना है। अब तक हमने देखे तस्वीरों में जो भी चीज़ें हैं, पहले हमने इनको अददों में लिखा, फिर इनको लफ्ज़ों में लिखा। अब एक नई चीज़ है कि यहाँ तस्वीर तो है लेकिन हमको अददों में नहीं लिखना है, लफ्ज़ों में लिखना है, सिर्फ लफ्ज़ों में लिखना है। कितनी मालाएं नज़र आ रही है बेटे आपको? प्यारे बच्चों कितनी मालाएं नज़र आ रही हैं? दो मालाएं। कितनी मालाएं? दो मालाएं, है ना। यानी दस दहाई की एक माला और दहाई की एक माला, एक दहाई दो दहाई, दो दहाई यानी बीस। और खुले मोती कितने नज़र आ रहे हैं? चार। बीस और चार या दो दहाई और चार, दो दहाई चार या बीस और चार चौबीस। हमको यहाँ अददों में नहीं लिखना है, हमें यहाँ लिखना है लफ्ज़ों में। क्या में लिखना है? लफ्ज़ों में। लफ्ज़ों में हमें लिखना है चौबीस। क्या लिखना है लफ्ज़ों में? चौबीस। चलिए अब आप इस तरह की आगे की मिसालें हल कीजिए। सफ़ा नंबर 13 तस्वीरों में दिए हुए अदद, आगे की मिसालें आप हल करके बताइए। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज़।